जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। हेमंत ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी। इसमें कहा था कि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है वह मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। जो जमीन उनकी बताई जा रही है वह उनके नाम पर कभी रही ही नहीं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाए जाने में विलंब के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। इस पर अधिक बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, देखिए जमीन घोटाला से जुड़ा यह मामला है जिसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई 31 जनवरी को, और इसे लेकर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसको लेकर आज सुनवाई हो सकती है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो अर्जी दी थी कि जो जमीन फर्जीवाड़ा मामला है वो जमीन उनके नाम पर ही नहीं थी, इसे लेकर आज सुनवाई होने वाली है। जो विलंब हो रहा था इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल क्या कुछ जो है बातें निकलकर अभी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज मेंशन किया गया है कि जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कई महीनों से जेल में बंद है, क्योंकि उनका जमानत के लेके हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल कर रखा था और हाईकोर्ट ने जो रांची हाईकोर्ट है उन्होंने उस फैसले को सुरक्षित रखा है। उस सुरक्षित के खिलाफ जो है आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज से चार दिन पहले उन्होंने हेमंत सोरेन के वकील ने फाइल किया था कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उसको तुरंत रिलीज किया जाए और जानकारी दी जाए। लेकिन अभी ये आज उसकी सुनवाई होगी। आज उस सुनवाई में क्या सही मायने में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपना तथ्य रखा है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं, सबकी नजर उस पर होगी। वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो केस बनता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बेल को लेकर के हाईकोर्ट में उन्होंने फाइल किया था और जो सुरक्षित रखा हुआ है हाईकोर्ट रांची हाईकोर्ट में उस पर जल्द से जल्द उस डिसीजन को रिलीज करे, इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पहली बात तो हेमंत सोरेन का था। दूसरा जो है, आज बेल पिटीशन आज दाखिल किया गया है पूजा सिंघल जो जेल में बंद है और उस पर भी आज सुनवाई होगी। क्या हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करने के बाद क्या उसको बेल देती है या नहीं देती है, इसके देखना होगा। लेकिन फिलहाल 12 बजे के बाद जो है इस पर डिसीजन आ सकते हैं हेमंत सोरेन और पूजा सिंघल के ऊपर। बिल्ली अमर, तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।